नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे प्रोग्राम फॉर योर जागरूकता में। आज हम आपको बताएंगे साउंड मार्क से जुड़े दो केसेस के बारे में। एक वैश्विक दुनिया में जहां खरीदार के ध्यान को आकर्षित करने और विशिष्ट पहचान विकसित करने के लिए व्यवसाय निरंतर और तेजी से नवाचार कर रहा है, तो वही गैर पारंपरिक ट्रेडमार्क नए उपकरणों में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गैर पारंपरिक ट्रेडमार्क है क्या। ट्रेडमार्क में आमतौर पर वाक्यांश, अक्षर, चित्र, प्रतीक, लोगो, अंक, शब्द या इनमें से एक या अधिक घटकों का संयोजन शामिल होता है, जबकि गैर पारंपरिक ट्रेडमार्क इन पारंपरिक तत्वों से परे है। ऐसा ही एक श्रेणी साउंड मार्क की है। ध्वनि और चिन्ह एक गैर पारंपरिक ट्रेडमार्क हैं, जो ध्वनि का उपयोग उत्पादों या सेवाओं के वाणिज्यिक मूल की विशिष्ट पहचान करने के लिए ट्रेडमार्क किया जाता है। पुराने समय में ध्वनियाँ ट्रेडमार्क के रूप में पात्र नहीं थी, लेकिन विश्व व्यापार संगठन के व्यापार पर समझौता किया गया। साथ ही उसके संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों के पहलुओं ने इस अधिकार की पहचान की और सदस्य देशों को ट्रेडमार्क की अपनी वैधानिक परिभाषा को व्यापक बनाने की मांग की, ताकि उत्पादों को अलग करने की कोई भी सिग्नल क्षमता हो सके या अन्य उपक्रमों में से एक उपक्रम की सेवाएं। सबसे पहले बात करते हैं याहू योडल के साउंड मार्क की। 2008 में एक मानवीय आवाज याहू ने भारत में याहू इंक को पहले ध्वनि चिन्ह के रूप में सम्मानित किया गया था। यह भारत में पंजीकृत होने वाला पहला अपरंपरागत ट्रेडमार्क भी है। दिलचस्प यह है कि याहू अपने निर्माता के साथ योडल के मुकदमे में शामिल था। एक देश बैंड के संस्थापक विली गुस्ताफसन ने 1996 में याहू के पहले टेलीविजन विज्ञापन के लिए तीन नोट हस्ताक्षर योडल बनाया और गाया। याहू ने गुस्ताफसन को तीन नोट वाले याहू योडल को रिकॉर्ड करने के लिए $590, जिसका उस वक्त मूल्यांकन 20,700 रुपये था, जो कि एक मुश्त अदा किया गया। जनवरी 1999 में गुस्ताफसन को $590.38 का अतिरिक्त भुगतान किया गया था, जब उन्होंने सुपर बाउल के दौरान याहू के विज्ञापन को देखने के बाद योडल के असंगत और अनजाने उपयोग के बारे में शिकायत की थी। याहू अपने तीन नोट याहू योडल के साथ सबसे अच्छा गैर पारंपरिक ट्रेडमार्क उदाहरणों में से एक एग्जाम्पल सेट करता है। भारत ने गैर पारंपरिक याहू योडल को पंजीकृत करके देश में विकसित बौद्धिक संपदा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक नया स्पष्ट संकेत दिया है। तो ये थी याहू योडल के ट्रेडमार्क ध्वनि से जुड़ी बात। अब बात करते हैं ICICI कॉरपोरेट जिंगल की। ध्वनि चिन्ह का एक और उल्लेखनीय उदाहरण ICICI का कॉरपोरेट जिंगल है, जो धिनचक धिनचक से जाना जाता है। जैसा कि आपको पहले हमने बताया था कि ध्वनि और चिन्ह गैर पारंपरिक ट्रेडमार्क हैं। परंपरागत रूप से शब्द, हस्ताक्षर, नाम, अंक, शब्दकोश और लोगों को ट्रेडमार्क का दर्जा दिया जाता है। ध्वनि के निशान के मामले में एक निश्चित ध्वनि एक कंपनी या उत्पादों या सेवाओं से जुड़ी होती है। जैसे कि बहुत कुछ मिलता जुलता चार नोट वाली घंटी की ध्वनि की तरह है, जो कई वर्षों से बिस्किट निर्माता ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विज्ञापनों से जुड़ी है। भारत में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने ICICI बैंक लिमिटेड को जिंगल बनाने वाले नोट्स को पंजीकृत करके अपने ध्वनि चिन्ह के लिए पंजीकरण की अनुमति दी है। ICICI बैंक साउंड मार्क पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय इकाई है। साउंड मार्क के लिए आवेदन दिल्ली ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में एक बौद्धिक संपदा कानून फर्म आनंद और आनंद द्वारा दायर किया गया था। धीरे धीरे लेकिन लगातार भारत के संविधान और न्यायपालिका गैर पारंपरिक निशान के महत्व को महसूस कर रहे हैं। तो ये थी ICICI से जुड़ी ध्वनि चिन्ह की बात। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए
देखते रहिए फॉर योर जागरूकता और जुड़े रहिए हमारे चैनल आईपी जागृति के साथ, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।